सिख इतिहास की महान गाथा प्रोग्राम सिख इतिहास की महान गाथा विच आप जी का स्वागत है। सात संगत जी, श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गुरद्वारा रामसर के स्थान पर भाई गुरदास जी पासों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बीड़ लखवानी शुरू की सी, जिस दी संपूर्णता 30 अगस्त 1604 ईस्वी नूं होई सी अते 1 सितंबर 1604 ईस्वी नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का प्रकाश अज दे दिन श्री हरिमंदर साहिब अमृतसर विखे किया गया सी। इसलिए साड़ी अज दी महान गाथा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की महिमा अते महानता नूं समर्पित है। जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज मानव समाज के सर्वपक्षी कल्याणकारी अकाल पुरख का एक इलाही तोहफा हन। सिखां लई श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अकाल पुरख का शब्दिक सरूप हन। वाह वाह बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर ना कोए, इस पवित्र ग्रंथ विच 36 महापुरखां दी बाणी सुशोभित है जो भारत दे वख-वख खेत्रां मजहबां अते अकीदियां नाल संबंधित हन। वह सारे 15 भगत साहिबान अते 11 भट्ट साहिबान भारत दे भिन्न भिन्न इलाकियां विच कर्मशील रह के समुची मानवता नूं अध्यात्मिकता एकता अते आपसी भाईचारे दा अमली संदेश देंदे रहे हन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच कुल मिला के 5874 शब्द हन, जेड़े के 31 रागां अधीन 1430 अंगां ते सुभाए मान हन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा आरंभ श्री गुरु नानक देव जी दी बाणी जपजी साहिब नाल हुंदा है। उस तों बाद 9 शब्द सोदर दे ते 5 शब्द सोहला बाणी दे हन। इस तों बाद अगलेरी बाणी तरतीब वार 31 रागां विच समोई होई है। सब तों पहला श्री राग है अते सब तों अखीर विच जैजावंती राग सुभाए मान है जो केवल श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी बाणी लई वरत्या गया है। सब तों वध बाणी 2218 शब्द श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उचारण किए हैं। अज सिर्फ इन्ना ही, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे प्रकाश गुरपुरब दियां सब संगतां नूं लख लख वधाइयां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।